सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सच्चे पातशाह दीन तुनी दे पातशाह लोक परलोक दे सहायक पातशाह शब्द गुरु शतुर चवर तख दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे इस समय पावन दर धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बरकत वाले दर गुरद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे साहिब की असीस प्राप्त करदे आं। आमना कीता मस्तक झुकावना कीता पावन दर विच सुशोभित होके गुरु दे अमृत बोलां नूं कन्नां दे कटोरियां राहीं पीवना कीता। आओ साहिब दी सीस प्राप्त करिए जो लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चल रही बाणी दी विचार दे तहत अज दे इस पावन दो श्लोक ते इक पौड़ी दे जप नूं आप जी ने गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों शर्वन करना कीता। इस शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते बड़े प्यार विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते। ये पावन उपदेश राम कली की वार महला पंजवां दे सरलेख हेठ दो श्लोक जो पंचम पातशाह जी दे उच्चारण कीते अते एक पौड़ी ओ भी पंचम पातशाह जी दी उच्चारण कीती सहब बख्शिश करन। मैं एक मन हो मालक दे चरणा विच अरजोई करदा हाँ पातशाह रहमत करना बाणी पढ़दे हाँ अते सुनदे हाँ बाणी विचारदे हाँ ते हिरदे विच टिकांदे हाँ आप जी दी ओट बनी रहे ताकि मेरे ये उठाए कदम सफले हो सकन। आओ साहिब दी बख्शिश प्राप्त करिए पावन शब्द विचार आरंभ हो सके अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्लोक महला पंजवा हो कृपाल स्वामी मेरे संतां संग विहावे। वाहिगुरु जी दे चरणा विच अरदास करन दी जाच सिखाई है धन गुरु अर्जन देव जी ने। हे मेरे स्वामी हे मेरे मालक ए मेरे सिर दे साई ए मेरे जीवन दे सहारे
मेरे ते कृपा करो, आप कृपालु हो, कृपा आलिया हो, आप कृपा दा घर हो। मैं बेनती कर दिया, मालक दे घर विच कृपा ही कृपा है, जो झोली लैके अरजोई करदा तरला कढ लैंदा है, मालक उस ते कृपा कर देंदा है। इस करके आरंभक इस पावन बोलां दे भाव नूं जरूर अपने जीवन विच ढालना, ते रोज तुसां भी ते दासरे भी ये अरदास करन दे कदम उठाने ने। मालक मेरे ते रहमत करो, मेरे ते कृपा करो। कृपा चो मंगिया कीए, हो कृपाल स्वामी मेरे, संतां संग विहावे, मेरा जीवन बंदगी सिमरन करन वाली साध संगत विच गुजरे। कोई सिमरन अभ्यासियां दी संगत विच मेरा जीवन गुजरे, उन्हां संतां दी संगत विच जीवन गुजरे जिन्हां दे रोम रोम विच शब्द दी गल होवे, जिन्हां दे स्वास स्वास विच नाम सिमरन दी गल होवे। मैं भाई गुरदास साहिब जी दा जदों एक कवित पढ़दा हां ना, कि संतां दे जीवन विच कैसी गल रब दे नाम दी बन जांदी है, कि सलल निवास जैसे मीन की ना कटै रुछ, दीपक प्रकाश प्रीत कटै ना पतंग की, कुसुम सुभास जैसे तृप्ति ना मदप को, उड़त आकाश आस कटै ना बिहंग की, कटा कनकोर मोर चातरक हृदय उलास, नाद बाद सुन रती कटै ना कुरंग की, तैसे प्रिया प्रेम रस रसक रसाल, संत तृष्णा घटत ना परबल अंग अंग की। बंदगी सिमरन अभ्यासियां दी दिन रात वाहिगुरु नाम सिमरन विच ऐसी रौं जुड़ जांदी, ऐसा अंदर दा भाव जुड़ जांदा, ओ वाहिगुरु वाहिगुरु विच अपना आपा अंदरों ते बाहरों इक मिक करी बैठे। ऐसे जो सिमरन अभ्यासी महापुरख होन, कोई ऐसे संत जन होन, मैनू उन्हां दी संगत विच जीवन बतीत करन दी मालक बख्शिश कर दिओ, मैं साकतां दे संग विच जीवन ना बतीत करा। चूंकि संतां संग विहावे, काहू बिहावे रंग रस रूप, काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे खेलत जुआ, काहू बिहावे अमली हुआ, काहू बिहावे दिन रैन चालत, संत बिहावे हर जस गावत। मालक रहमत करना, ओ बंदगी सिमरन करन वालियां दा जीवन जो नाम सिमरन विच बीत रहा है, मैनू उन्हां दी संगत बख्शिश कर देना। उन्हां दे संग विच बैठा, मेरा मन भी नाम जपन चला जाए। मैं ऐसे महापुरखां दी संगत विच बैठा, जिन्हां दे संग विच बैठ के शब्द गुरु दी गल अंदर प्रगट हो जाए। इत्थे मैं एक बेनती जरूर कर दिया, ना ते तमाम संतां नूं मेरे साहिब बुरा किया, पर हर एक संत शब्द नाल जीन वाले नूं संत नहीं आखिया। ऐसे संत ना मोको पावें डाला स्यों पेड़ा गड़कावें, ओ संत नहीं चाहिए। चूंकि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ ने बग, ओ हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। पर मेरे साहिब कहंदे ने, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। जेड़ा बंदगी सिमरन अभ्यासी, समझ लेना संत जीवन वाला, उन्हां दी संगत विच बैठा सही प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। संता संग विहावे, चूंकि संत कै संग राम रंग केल, आगै जमस्यों होए ना मेल। हजूर कहंदे ने, संत कै संग मिटिया हंकार, दृष्ट आवे सब एकंकार। उन्हां दी संगत विच बैठा जिथे रब नाल मेरी गल हो जाए, परमात्मा नाल मेरी सिद्धी सांझ पै जाए। उन्हां दी संगत विच बैठा जिथे अंदरों हंकार मुक जाए ते निम्रता घर विच आ जाए। मेरे साहिब रहमत करदे ने, मालक दे चरणा च अरदास करना भी कोई ऐसा संत मिले, कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जा को जप तप देओ दलाली रे, एक बूंद पर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे।
कोई ऐसा बंदगी समरण अभ्यासी होवे उन्हां दे संग विच बैठा अंदर दी सुरत विच नाम दी बूंद पीवन दी गल बन जाए। उन्हां दे संग विच बैठा जिथे मेरा ध्यान दुनिया वालों टुट जाए, खोट वालों मुक जाए, परमात्मा दे सिमरन विच चला जाए। ते मैं एक बेनती कर लगा, फुल्लां दी बगीची होवे, चमन खिड़िया होवे, किते रात दे समय रात दी राणी दा पौधा खिड़िया होवे। असीं चाहते तो नहीं ना भी सानू खुशबू मिले, पता ही नहीं है, बेध्याने जा रहे हैं, पर लंघे हाँ चमन पास, लंघे हाँ फुल्लां दी खुशबू पास, बदो बदी खुशबू अंदर चली जाती है। अगर सिमरन अभ्यासियां दी संगत विच बैठिए, उन्हां दा असर नाम सिमरन दी रौ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਬੂ ਹੋਵੇ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਾਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਬਦਬੂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋ ਵਿਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਲਿਆ ਉਹ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕੱਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ, ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਲਖ ਅਕਸਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਖ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੌ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਹੋਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ, ਤੁਧ ਹੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਤਦ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਦੁੱਖ ਮਰੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ,
दुख का बीजना की है। मन मुक्ता दे मार्ग ते चल के अंदर दी सुरत दा प्रवाह पैड़ा करना, अंदर दे ख्यालां विच औगुण विकारां वल जाना, ए मानसी बीज दुख दा मन करके बीजिया गया। शरीरक तौर ते जिथे गए उथे पैड़ा काम करन वास्ते औगुण विकारी संगत विच शरीर गया, समझ लेना शरीरक बीज दुख दा बीज लिया। ते जुबान नाल जो बोलिया वो रब दा ना नहीं बोलिया, भैड़े बोल कबोल संसारी बोल बोले उन्होंने जुबान नाल दुख दा बीज बीज लिया। इस करके मेरे साहब कहंदे ने कायक वाचक ते मानसी, मनसा वाचा ते करमना, उन्हां दे जीवन दे ये तिन्ने कर्म दुख वाले बन गए। इन्हां तिन्ना राही उसने अपना जीवन कह लीए होकियां वाला बनाया, तिन कदे ना चुकन हावे। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मनमुख लोग रब नूं भुल जांदे ने, उगवै दिनस आल जाल संभाले, बिख माया के बिस्थारे आई रैन भया सुपनंतर। ध्यान च रख लेना, दिन चढ़िया दिन चढ़द्या सार गुरमुख भगत जन गुरसिख बंदगी वालिया ने बंदगी आरंभ की, ते मनमुख ने दिन चढ़द्या साल आल जाल संभालना शुरू कर लिया। उगवै दिनस आल जाल संभाले, दिख माया के विस्थारे आई रैन पिया सुपनंतर, दुख अंतर पी दुख सारे। रात आई ते रात सुपने विच भी ओ कुछ जो दिन सारा औगुण विकारी ख्यालां दा बनिया सी। इस करके मेरे साहब कहन लगे मनमुख दी दशा ऐसी है, वो रब नूं भुल जांदे ने ते बार बार जमदे ते मरदे ने। एक गल भाई साहब भाई गुरदास साहब जी बड़े सुंदर बोलां विच कहीए, भलिया अपने जीवन वल झात मार, कदी ये तेरा जीवन ऐसा ना होवे कि अंदर दी सुरत विच मनमुखता दा तू कालख दा बीज इकट्ठा करी बैठा होवे। ते तेल काला फुल उजला हरिया बूटा क्या निशानी। कहन लगे मैं तिल दे बूटे नूं वेखे है, तिल दा बीज काला सी, ध्यान च रखियो काला तिल बीज काला, बीज दिता धरती ते उगया बूटा ते हरा भरा नजर आया। कहन लगे जदों फुल निकलिया ते बड़ा सफेद नजर आया, पर जदों जो बीज निकलिया ते मुड़ काले दा काला तिल निकलिया। भलिया अगर तेरे जीवन दी बाहरी शरीरक रूप रेखा विच शायद दूजियां नूं भुलेखा पाऊ उजलापन नजर आउंदा होवे, पर अंदर दी सुरत वल खुद झात मार लेवी, अंदरों किते काले तिल दी तरह ते जीवन नहीं चल रहे। अगर जीव अपने जीवन विच एक गल सच है वाहिगुरु नूं भुला बैठा है ते तुद हो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। जिहड़े तैनूं भुल जांदे ने उह बार बार जमदे ते मरदे ने। एक धार्मिक ग्रंथ दे करता ने बड़ी एक छोटी जी गल विच बड़ी गहरी गल लिखी, उह कहन लगे जे जमया है जे जन्म लिया है, जे जमया है ते जमा नूं चेते रख के जीवन बतीत कर, जमया है ते जमा नूं चेते रख के अखीर वेले जम नेड़े नहीं आउणगे। ध्यान च रख लेना जिहड़े मौत भुल जांदे ने उह बार बार मौत दे मूंह विच पैंदे ने, जिहड़े मौत नूं चेते रखदे ने मैं बेनती करां मौत तों बच जांदे ने। खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना खसम विसार खुवारी कीनी, फिर एक जीवन नहीं रहना। यह गल सच है जिन्हां नूं मरना विसर जांदा उन्हां नूं बार बार मरना पैंदा। तुदहों भुले से जम जम मर दे, खसम विसार तुदहों भुले। जिहड़े मालक नूं भुल जांदे ने ते मौत नूं भुल जांदे ने उह बार बार होके लैंदे हाए हाए करदे अपना जीवन बतीत करदे ने। सड़क किनारे एक बैठे फकीर नूं लंघदे राजे कई वार तकिया, बड़ा खमोश बैठा रहिंदा, बड़ा चुप करके बैठा रहिंदा, अखां विच अलौकिक जिहा नूर चमकदा, मथे ते बड़ा वधिया जिहा सुरूर नज़र आंदा। राजे दे मन विच ख्याल आया होवे ना कि ऐसे फकीर नूं अपना कीमती दुशाला दे दे,
उसने अपना कीमती दुशाला बड़ा ही महंगा हजारां रुपयां दा बनिया उतारिया ते फकीर दे उपर पा दिता। अगला दिन होया, मैं बेनती करा दुशाला देन वाले राजे दे मन विच ये सुभाविक ही ख्याल आना सी भी वेखा तो सही जेड़ा कल दुशाला दे गया अज उत्ते फिर लिया होया। अगला दिन होया ते राजा अपने दुशाले वाल वेख के बड़े अफसोस विच भर गया, मेरे दुशाले का यह हशर गंदा किया पिया, मिट्टी नाल लथ पथ किया पिया, गंदगी लगी हुई है, वह एक पासे कोल रखी बैठा है। ते साई फकीर नूं कहिंदा, फकीर तैनू एडा कीमती दुशाला दिता सी, उसकी हालत इतनी बातर कर दिती है, ये की कीता है, तू मेरे कीमती दुशाले की कदर नहीं की। ते साई फकीर आखिया, ओ राजन तेरा दुशाला तैनू कीमती नजर आंदा है, वह मैं बातर करके रखे है, ते तैनू अफसोस ते दुख होया कि मेरे कीमती दुशाले का यह हशर किया है, शरीर का दुशाला जो रब तैनू दिता है जेड़ा किसी मुल नाल नहीं मिलता, उधर झात मार के तू शरीर के दुशाले का की हाल किया है, तेरे मन विच दुख आया ना कि मेरे कीमती दुशाले का यह हशर, ते ओ मालक जिसने करमी आवे कपड़ा ये तेनू शरीर का कीमती कपड़ा दुशाला दिता, रहमत ते कृपा दृष्टि नाल दिता, तू इस शरीर का हाल की किया, जात मार किन्नी बंदगी है, किन्ना धर्म है, किन्नी सेवा है, कितना सिमरन है, ये सच है। जो वाहगुरु नू कोई भुल जाता है ये कह लीए वो परमात्मा की कृपा दृष्टि का पात्र नहीं बनता, तो तुद हों भुले से जम जम मार दे तिन कदे ना चुकन हावे, वो सदा अपना जीवन दुखां विच ते होके लैंदिआं बतीत करदे हन जी। महला पंजवां, सतगुर सिमरो अपना घट अब घट घट घाट, अपना सतगुर सिमरो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, सतगुर सिमरो अपना गुरु गुर जपन वाले, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जप है, किवें गुरु जपना है, शब्द हर हर जप है, नाम निव नव निध अप है, रसन अहनस रस है, सत कर जानियो, नाम जपना हुन प्रेम रंग पाई है, गुरमुखे ते आई है, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रिद धरो, यह है सतगुर सिमरू अपना, बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उदरो हो, द्वार हर मानियो, जौता सब सुख इत उत तुम बंछवो, जौता सब सुख इत उत तुम बंछवो। भगत सवैयां विच कहिंदे ने, जे ते चंद है मैनू इथों ते उथों दे, मैनू लोक ते परलोक दे सारे सुख झोली विच पै जान, तू चंद है ते फिर की कर, जौता सब सुख इत उत तुम बंछवो हो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, बस गुर गुर करत सदा सुख पाइए। मेरे साहब कहते ने, सतगुर सिमरो अपना, धन गुर शब्द का जप कर। मैं इतने बेनती कर लगा, अपने सतगुरु नू सिमरन करन वालियां दा मार्ग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा सहज पाठ भी करदे जाना, सहजे सहजे करदे जाना, सुरत विच टिका के जपदे जाना, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा बाणी दा जप करना, बाणी दे जप राही नाम सिमरन दे जप विच चले जाना, बाणी दे जप राही मैं बेनती करा नितनेमी बन जाना, बाणी दे जप राही उस वाहिगुरु नू अपनी सुरत विच टिका लेना, बस सतगुर सिमरो अपना घट अव घट घट घाट, जो घट कहिए हिरदे विच, जो कहिए संसार दे हर एक हिरदे दे विच मौजूद है, उस नू तू संसार दी उच्ची घाटी ते चढ़े तद भी सिमरन करी, तू घाट कहिए नीवा किते उतर जाए ते तद भी उस मालक दा चेता रखी, जे उचाइयां नू छोहें
कोई धन की उचाई, कोई उच्ची पदवी की उचाई छो है, तद भी मालिक का आराधन करी। जे कि संसार विच तैनू दुख ते भुख विचों गुजरना पए, तद भी मालिक का आराधन करी। कीतियां दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार, घट अवघट घट घाट, हर हर नाम जपंतियां, कोई न बंधे वाट। अगर वाहिगुरु का नाम जपन वाला होवेगा, हर हर नाम जपंतियां, कोई ना बंधे वाट, वो तेरे रस्ते विच कोई बंधन नहीं पाएगा। ध्यान च रखना, कोई रुकावट नहीं पाएगी। एक गल सच है, वाहिगुरु दे सिमरन करन वाले दे सारे बंधन कट्टे जांदे ने। बंधन काटे सो प्रभु, जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छुटी है, राखो हर नाथ। ये सच है, वो मालिक ही करद, बंधन ते छुटकावे, प्रभु मिलावे, हर हर नाम आवे, अस्थिर करे निश्चल एहो मनुआ, बहुर ना कतहु तावे। तू आ सिमरन वल, सिमरन अभ्यासियां दी संगत विच बैठ, तेरे सारे बंधन कटे जाणगे, तेरे जीवन विच कोई रुकावट नहीं पाएगी। एक गल ध्यान च रख लेना, जीवन विच धर्म दी दुनिया विच चलदियां भी कई बारी रुकावट पै जांदी है। कोई दुख आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई ऐशो इशरत दा मार्ग मिल गया, कोई संसारक सुखां दे विच गलतान हो गया, ते कह लईए चलिया सी धर्म दे मार्ग वल, ते रस्ते विच अटक गया। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जदों पूरब दी तरफ गए ने, उन्होंने पूछा सी, महाराज आप पूरब दी तरफ क्यों आए हो? ते मेरे साहब ने बड़े संखेप विच जवाब दिता सी, कह लगे धर्म दे मार्ग ते चलदियां चलदियां अटकियां होया नू तोरन लई, की आखिया, अटकियां होया नू तोरन लई, ते तुरिया होया नू मंजिल ते पहुंचान लई आए। ये गल सच है, कई बारी अटक जाईदा अपने जीवन वाल झात मारियो। हो सकता है कई जीवन ऐसा हो पहला तो बहुत जप करते, बड़ा नितनेम ते सिमरन सी, पर हुण घट गया। आम तौर पर कई मुखों सुनन नू मिलदा, हुण घट गया। कई बारी तो ऐसी दशा होंदी है, नितनेम टुट जांदा है, सिमरन हुंदा ही नहीं, समझ लैना विच रुकावट पै गई। जे गुरु नाल जुड़े होवांगे तो गुरु रुकावट नहीं पैन देणगे। मैं बेनती करा हर रोज़ धन गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत विच आउण वाला, धन गुरु ग्रंथ साहब जी का ध्यान धर के आराधन करके अरदास करन वाला, ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नू नितनेम रूप विच जपन वाला, ओ सतगुर सिमरो अपना दे मार्ग दा पांदी है, उस ते गुरु आप सहाई बन के रुकावट नहीं पैन देंदे। आप नू पता ही है ना, भाई जोगा सिंह चलिया सी कितों ते पहुंचना सी किथे, रुक गया रस्ते विच, जद आया हुशियारपुर, होना सी हुशियार, ओ सुंदर डिठी वेशवा दित्ती होश विसार, एक बंधन पैन लगा, एक रुकावट पैन लगी है, शायद पतत हो जांदा, ते पता नहीं अंदर दी मानसिक दशा दा हशर की हुंदा, पर गुरु आ पहुंचे ने। चूंकि सतगुरु नू सिमरदियां सिमरदियां चलिया है घरों, पहुंचना है आनंदपुर साहब, पर भलिया किते रस्ते विच अटक गए होए, कोई बंधन आ पिया, तेरी वाट अज वाट नहीं रह गई। ध्यान च रख लेना, वाट कहिंदे ने राह नू, अगर राह राह है ते राहियां वास्ते राह राह है, राही राह ते चलदे ने। मैं इत्थे एक बेनती कर लगा, किसे पुछिया सी बाबा ये राह किधर जांदा है, ते बाबे आखिया भी राह किधरे भी नहीं जांदा। हुण पुछण वाले ते गल समझ विच ना आई, उह कहिंदा बाबा ये सड़क जा रही है, ये रस्ता जा रहा है, मैं तेनू पुछया तेनू उची ते नहीं सुनदा? कहिंदा नहीं, मैनू ते उची नहीं सुनदा, पर तेनू मेरी गल जिथे सुननी चाहीदी तू उथे नहीं सुनदा। उस आखिया दस बाबा समझा, मैं तेनू पुछया ये राह किधर जांदा है, ते साईं आखिया ये राह किधरे भी नहीं जांदा, जेड़ा भी इस राह दा राही बन के जांदा उही जांदा है। जेड़े राही राह किनारे बैठ जांदे ने, जेड़े राही राह ते नहीं चलदे उन्हां लई राह किधरे भी नहीं जांदा, जेड़े राही बनदे ने उन्हां नू ये राह उन्हां दी मंजिल ते ले जांदा है। ये गल सच है, अज साडा पंथ है
पथ दुनिया नाल जोड़दा, एक घर तो दूजे घर नाल, एक नगर तो दूजे नगर नाल, एक देश तो दूजे देश नाल जोड़दा, उसनू पथ कहा जांदा है। पर खालसा पंथ मैं तो तू नाल जोड़दा, ये खालसा पंथ मैं बेनती कर दिया ये गुरु नाल जोड़दा है, ये खालसा पंथ गुर संगत नाल जोड़दा है, ये खालसा पंथ तमाम कायनात विच वसदे, ब्रह्मांड विच वसदे वाहगुरु नाल जोड़दा है। पर जिहड़े खालसा पंथ दे राही बन जांदे ने, ये सच है, वो एक दिन मंजिल ते पहुँच जांदे ने। नहीं तो खालसा पंथ विच शमूलियत ते कीती, पर सच करके जानियो संगत विच बैठे, संगती रूप विच खालसा पंथ विच बैठे खालसा रूप विच, पर जे अंदर दे जीवन विच खालसा पंथ दे असूल अपनाए ना, जे संगत वाले असूल अपनाए ना, राह ते चले सी पर अटक गए, रस्ते विच रुक गए। इस करके मेरे मालिक कहंदे ने सतगुरु नाल जुड़िया नहीं तेरे जीवन विच कोई बंधन रुकावट नहीं पाएगा, टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग, तेरे बंधन कटे जान। ध्यान च रखना, बंधन भेद बाद हंकार, बंधन बिनसै मोह विकार, ये सच है। कईयां दे अंदर विद्या पढ़ के हंकार पैदा हो गया, ये भी बंधन है। बंधन मात पिता सुत बनता, ये अंदर बंधन पै गया, ये मेरी माँ, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, इस ममता दे नाते विच बज गया, तिन्हां नूं भी बंधन पै गया। और ये गल सच है, ये बंधन आप इंज पा रहे ने ज्यों नलनी भ्रम सूआ। ध्यान च रख लेना, मरकट मुष्टी अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परिया मन बौरा रे, नाचियो कर कर बार। जो नलनी सूटा गहयो मन मन बौरा रे, माया ओ व्यवहार ऐ भलिया चात मार, तू आप बंधन विच फसिया, तेनू किसे फसाया नहीं, तू उस बंदर दी तरह चने खान वास्ते जिस सुराही विच हाथ पाया उस समय हाथ सीधा सी, पर जो अंदर जाके चनिया दी मुठ भर ली, हुण मुठ चौड़ी हो गई, हाथ चौड़ा हो गया, उस सुराही विचों हुण तू चने छड़े ना ते हाथ बाहर निकलना कोई नहीं, तू चीका मारदा शोर मचांदा भी शायद मैनू सुराही ने पकड़ लिया। ध्यान च रख लेना, सुराही तैनू नहीं पकड़ी खलोती, तू सुराही नू पकड़ी खलोती, शिकारी आ फड़दा, उसनू पता है इसने चने छड़ने कोई नहीं, हाथ निकलना कोई नहीं, आजाद हो नहीं सकना, इसने दौड़ सकना कोई नहीं। ये गल सच है, अज मोह ममता लालच अधीन जिथे जिथे सुरत नू टका लिया, समझ लेना बंधन पै गए, ये रस्ते की रुकावट बन गई। ये राह ते चलिया जांदा बंदा सुता पे है, साईं फकीर पैर नाल टुंबिया, ओए उठ, राह सौन लई नहीं होया कर दे, राह चलन लई होया कर दे। ध्यान च रखना, बड़ी गहरी गल आखी, रस्ते ते सुता पे है मुसाफर, इत्थे तेरा घर नहीं है, चलिया किधरों ते पहुंचना किधरे होर, तू राह ते सौ गया, राह सौन लई नहीं होया कर दे, राह चलन लई होया कर दे ने, उठ ओ देख पिछों हवा पई चलदी है, ओ मिट्टी घटा उड उड के तेरे उत्तों उड के अगां पिया लंघदा, तू उत्थे ही सुता पे। ध्यान च रख लेना, तेरे नालों ते मिट्टी उड उड के अगे सफर पे कर दीए, तू उत्थे ही सुता पे है, उठ राह ते चल ते मंजिल ते पहुंच जा। अगली गल एक होर बड़ी आखी, ओ जिथे सुता पे है इत्थे चार चफेरे चोर ने, माल लुट लैणगे, जानों मार देंगे, क्यों अपनी जान ते माल खतरे विच पाई बैठे, उठ मंजिल ते पहुंच, चोरां दे घेरे विच क्यों सुता पे। मैं बेनती कर रहा, अज जिथे सुरत सौ गई, जिथे अंदर दा ध्यान रुक गया, इस संसार विच औगन विकार चोर ओ जीवन दा धर्मी खजाना लुट लैंदे ने, तू सतगुरु सिमर ताकि तेरे जीवन विच कोई बंधन ना पै जाए, औगन विकार दा बंधन तैनू रोक ना लेवे, चूके कोट बिगन तिस लागते जिसनों विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते ज्यों सुन्या घर काओ, कां जाए वसदे घर कोई रोटी दा टुकड़ा, कोई दाल,
कोई सब्जी कोई कुछ ना कुछ खा आवे ते जेड़ा घर ही उजड़िया होया जेड़े घर विच ही कोई नहीं रहिंदा उथे गया कां जिवें भुखे दा भुखा जांदा है भलिया जे वाहिगुरु दा सिमरन ना कीता ते सुन्ने घर दे कां दी तरह सुन्ने घर का पहुना ज्यों आया त्यों जाए घर वसदा होवे प्रौहणा आए जल पानी पुछया जांदा है उसनू रोटी उसनू कुछ ना कुछ खवाया जांदा है ते जेड़े घर विच ही कोई नहीं प्रौहणा आ जाए ते ध्यान च रख लेना वह भुखे का भुखा ही जाएगा ना। इस करके मेरे साहब कहिंदे ने वाहिगुरु का सिमरन अगर नहीं किया तो समझ ली जिंदगी दुखां विच कर जांदी अगर सतगुरु नाल जुड़ गया तो तेनू कोई बंधन तेरे जीवन के राह विच नहीं पेगा कोई ना बंधा वाट पौड़ी। अगों धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी इस पौड़ी विच फुरमान करते ने तिथे तू समरथ जिथे कोई नाही जिथे कोई तेरी रख्या करने वाला नहीं जिथे कोई तेरा सहारा नहीं जहां पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम तह नाल पछानू है भलिया जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साग पे भज खले सबो भजे आसरा चुके सब सराओ चीत आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ साहब नतानिया का तान आए न जाई फिर सदा गुर शब्दी सच जान जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवे काज चित आवे उस पार ब्रह्मता निचल होवे राज जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग ग्रस्त कुटंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौन करे चौकुंट का घड़ी ना बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। मेरे साहब कहंदे ने ऐ मेरे मालक जिथे कोई नहीं पहुंचदा उथे आप जी दी इन्नी शक्ति इन्नी ताकत इतनी समर्थ पहुंच जांदी है उस दे जीवन विच उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। एक प्रमाण दिता ने जिवें जठरा अगन हर शरीर दे अंदर रहिंदी जो खांदे सख्त सो सख्त चीज भी खांदे उस नूं ऐन भस्म कर देंदी पर प्रतपाल माता उधर रखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां रखै बूझ बुद्ध विवेक ऐ भलिया विवेकी बुद्धि ना ऐ भलिया उस माता दे पेट दी अग तो ऐन मासूम जी आरंभक जिंद नू जिसने बचाया ते फिर जितना समा माता दे पेट विच बच्चा पलिया उस नू जठरा अगन रत्ती भार भी पो ना सकी ओ करता पुरख वाहिगुरु उथे रखिया करन वाले ते जेड़ा उस थां ते रखिया करन वाला पलिया तेरे जीवन विच नहीं रखिया करन वाला। इस गल नू समझ उस अकाल पुरख वाहिगुरु नाल अपनी सुरत ते ध्यान जोड़ ताकि वह तेरी हर तरह की अग तो रखिया करने वाला है। एक मैं बेनती कर लगा एक अग है जकारता अगन एक अग है बड़वा नाल अगन एक अग है दावा नाल अगन एक अग है जठरा अगन महान कोश के लिखारी ने प्रमुख चार तरह की बाहर की अग का जिक्र किया। एक समुंदर विच रह के पानी नू शोषदी रहिंदी सुकांदी रहिंदी उन्नू बड़वा अगन के एक खाना विच अग लग जांदी उसनू जकारता अगन कहिंदे एक जंगल विच अग लग जांदी उसनू दावा नाल अगन कहिंदे एक माता दे ते हर मनुख दे पेट विच अगन रहिंदी उसनू जठरा अगन कहिंदे। भलिया ये बाहर की अग ते बाहर साड़दी है पर सच करके जानी माता दे पेट वाली अग अगर मालक दी रहमत बख्शिश नाल उस बच्चे नू जन्म देना उस नू अग पो नहीं सकदी ते जिवें माता दे पेट दी अग उस बच्चे नू नहीं पौंदी तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे
हम हर के बालक वाहगुरु नाल जुड़ जा, वो तेनू बाहर दी अग तो भी हाथ दे के बचाएगा। काम क्रोध अग्नि तन चारे, तृष्णा जलत जले हंकारे, काम क्रोध ते तृष्णा हंकार दी अग तो भी मालिक तेनू बचा लेगा। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवह दजे नानका तरिया करमी लग, मालक दी शरण विच चला जा, ओ तेनू औगन वकारां दी अग तो भी बचा लेगा, ओ संसार दे दुखां दी भयानक तो भयानक अग तो भी बचा लेंदा है। सुन के जम के दूत नाए तेरे छद जाए, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छद जाए, तेरे नाम दी रौ। हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, भावें मृतक होण समय प्राणी दा शरीर इत्थे रह जांदा, पर जेड़ा अंदर दा जीव आत्मा अंदर दी चेतना उड़ारी मार के जांदी है, अगर उस चेतना विच नाम वसिया होवेगा ते अंदरों जिवें रात नूं सुतियां पिया, ध्यान च रख लेना, वो सारे दा सारा सुपना एक सुपनावी अंदर दी जीव आत्मा देखती है, ते उस समय कोई भयानक सीन आ जाए ते नाम जपन वालियां दे मुखों सुभावक उस समय भी वाहगुरु निकल जाते। ऐ भलिया अगर तेनू जाम दूत दा कोई भयानक समा अखां सामे आए, ते उस समय अगर तेरे हिरदे चो वाहगुरु वाहगुरु निकलेगा, ते हजूर कहंदे ने जम दूत छद जांदे ने, भौजल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। ए भौजल भौ दा जल डरावना जल, इत्थे बड़ियां भयानक लहरां ने, ध्यान च रखियो, बाहर है समुंदर दा पानी ते समुंदर दे पानी विच ने लहरां, यह है संसार विच केड़ा जल, इत्थे हर समय हर पासे डारी डर बनिया रहिंदा, परिवार का डर बनिया रहिंदा, कारोबार का डर बनिया रहिंदा, शरीरक दुखां का डर बनिया रहिंदा, किसी दुश्मन शत्रु विरोधी का डर बनिया रहिंदा, तरह तरह के डर विच ये पै परलोक पै मरण वेदना जात अन रखिया गुप्त पै अकस्मात पै सात, सत तरह के भय का जिक्र पुरातन विद्वाना कीता। भलिया तेनू लोक ते परलोक दे डर पै सतांदे ने, पर मेरे साहब कहन लगे अगर तू वाहगुरु दा सिमरन करेगा ते इस भौ दे जल तो भव जल तो इस संसार दे दुखां दे डर तो गुरु दे शब्दी पार हो जाएगा। ये बड़ा सगाह है, ये तरिया नहीं जांदा। कह लईए जिवें कोई व्यक्ति एक दरिया तरके ते पार हो सकता है, एक नदी तरके ते पार हो सकता है, एक सरोवर होवे कोई 100-200 फुट दा ते पार हो सकता है, पर सैकड़े मील लंबा सागर दे उस जल नू जिवें कोई तरके पार नहीं कर सकता, इस संसार दे दुखां औगन विकारां दे जल तो भी कोई अपने बल नाल पार नहीं हो सकता। गुरु शब्द दा बोहित मिल जाए ते डुब नहीं कोई सकता, गुर शब्दी पार पाहे। इस करके कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बे तरो, गुर शब्दी पार पाहे। धन गुरु अर्जन देव जी वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना करदे आ, ए बख्शिश भरी अमृत बाणी दा खजाना दिता गया। कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने इस गुर शब्द नू गुर सिंघासन ते सुभाई मान करके गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती गई, जो तमाम संसारक जीवां वास्ते, इत्थे कोई किसे धर्म दा होवे अगर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा उपदेश लैके सिमरन अभ्यासी बन जाए, कोई इस्लाम धर्म दा मुसलमान होवे ओह भी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलो ये उपदेश लै सकदा है, भी उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। पंज निवाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सुनाए, करनी कलमा आके ता मुसलमान सदाए।
इत्थे कोई हिंदू वीर और राम राम जप सकदा है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयां, कोई अल्लाह आप लिया, ये तमाम संसार दे लिए कैसा बोहित बना देते। आओ इस दी शरण विच आओ, इत्थों उपदेश लेवो, इत्थों धर्मी बन जाओ। इत्थे हर एक नूं समझाया गया है भलिया सत ते चली, धर्म ते चली, असूलां ते चली, अपने जीवन नूं इक दायरे विच रखी, करैक्टर वाला बन के जीवन बतीत करी, चंगे आचरण रखी, तेरा जीवन गुरु पार कर देंगे। इस करके ये संसार भावें ना तरिया जा सकन वाला है, पर गुरु के शब्द के राही वो पार हो जाते ने। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, जिन्हां नूं प्यास लगी है ओही अमृत छकदे ने। एक गल ध्यान च रख लेना, भावें बाणी का अमृत पीना होवे, भावें नाम अमृत छकना होवे, ते चाहे खंडे बाटे दी अमृत पौहल छकनी होवे, अंदर प्यास होवे ते छकिया जांदा है। अगर प्यास नहीं ते जिवें बाहरों किसे नूं प्यास ना लगी होवे ते आखिए भाजी पानी पी लो, कहिंदा प्यास नहीं, उन्हें कही भी लिमका पी लो, कहिंदा नहीं प्यास नहीं, भाई कोक पी लो, कहिंदा प्यास नहीं, उन्हें कही भी जूस पी लो, कहिंदा नहीं प्यास नहीं। तो जे प्यास लगी हो लभदा है भी पानी मिल जाए, मैं वेख्या बहुत प्यास लगी होवे नहीं वेखते भी हूँ ठंडा पानी नहीं मिले तो पीना नहीं है, कहते भी नहीं सह निकलता है, भावें तत्ता तत्ता मिल जाए, गर्म गर्म मिल जाए, पर मैं पानी चाहिए। जिन्हों प्यास लगती है वह पानी वाल चलते ने, जिन्हों धर्म की प्यास लगती है वह बाणी वाल चलते, और नाम वो अमृत वह खंडे बाटे का अमृत वह धा धा के छकन दे। मैं बेनती करा आ पुजदे ने, इस करके मेरे साहब कहते ने जिन्हों प्यास लगी है, मैं एक बेनती करा मालिक अगे अरदास करना, मालिक कृपा करो प्यास लग जाए, ध्यान च रखना मालिक कृपा करो मैं नाम बाणी की प्यासी अवस्था बना लेवा, ताकि आप जी की रहमत नाल फिर नाम अमृत पी सकां, फिर खंडे बाटे का अमृत छक सकां। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे, कलयुग विच ए सब तो वड्डा पुन है गोविंद दे गुण गाउणे, वाहेगुरु करना। एक बारी सारे आखो वाहेगुरु, फिर आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। भावें होर भी बड़े पुन ने, सेवा करनी पुन है, किसी गरीब का सहारा बनना पुन है, पर धर्म की दुनिया में सब तो श्रोमणी पुन है वाहेगुरु का नाम सिमरन कर। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे। चूंकि वाहेगुरु का सिमरन करांगे वो वाहेगुरु ते साह साह सदा संभालदा, अगर वाहेगुरु बख्शिश ना करे तो सह ही नहीं लै सकते, सह लेंदे सब लवाया। ए मालिक तू एक एक सह दिवा रहा, पहला तो सह लैन वाला अंदर तेरी जोत दी करिश्मे दी कला है जिस कारण मैं सह ले रहा, दूजा तू बाहरों मैनू इतने वायुमंडल विचों ऑक्सीजन बख्शिश करके इतने सह देन दी कृपा कर दिती, करोड़ा जीव तेरे इस वायुमंडल चो सह लै रहे ने, अंदर बैठा सह देन दी कला विच जोत बन आ बैठा है, ते जेड़ा सारिया नूं सह दवा रहे है। हजूर कहिंदे ने तू सिमरन करेगा तेनू क्यों नहीं संभालेगा, तेनू हर तरह नाल संभालेगा, सब सह नो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे, जेडे तेरे चरण शरण दा पल्ला फड़न आ जांदे ने ओ खाली नहीं जांदे। इत्थे बिरथा दे अर्थ ने व्यर्थ, बिरथा दा भाव है व्यर्थ, खाली नहीं जांदे जेडे तेरे दर ते आ जांदे ने। मालक रहमत करन, मालक दे दर जो इस समय आए बैठे ने, भावें गुरु घर चाहे अपने अपने अस्थाना ते मीडिया राही, ये समझ लेना अगर सिमरन ते अरदास मालक दे चरणा च कर लेंगे वो मालक दे दरों को झोलियां भर के जाने, वो खाली नहीं जाने। मालक रहमत करन,
ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਆਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।